हेलो एंड वेलकम टू ब्रेन चाओ रिएक्शंस। मेरा नाम है राज और आज मैं रिएक्ट करने वाला हूँ आप सबके फेवरेट टिकटॉक कपल शफ्सा पे। अगर आपको शफ्सा नहीं पता, शहीर और हफ्सा दोनों वर्ड्स को मिला दो तो शफ्सा मिलता है। नाउ लेट्स चेक आउट दिस वीडियो। बिल्कुल जलन नहीं हो रहा। I am happy for them. पता है, कभी-कभी ज़िंदगी में सिर्फ एक शख्स के आने से सब कुछ ठीक हो जाता है। और कमाल की बात पता है क्या है? वो जाने के लिए नहीं आता, ठहर जाने के लिए आता है। हफ्सा क्या दिख रही है इसमें? She is looking absolutely stunning. मेरे इस दिल को तुम ही रख लो, बड़ी फिक्र रहती है इसे तुम्हारी। वैसे कुछ भी बोल लो, they look cute together. इन पे नजर ना लगे। हकीकत का तो पता नहीं, पर ख्वाबों में तुम मेरे हो चुके हो। तेरे नालो चली हसीन कोई ना, तारे चने अंबर जमीन। बस देखा तुमको यारा, तुमसे कोई अच्छा है ना, तुमसे कोई प्यारा। यूं नजरें ना फेरो तुम, मेरे हो मेरे तुम, कह दिया हम दोनों कहीं पे मिल जाएंगे एक दिन। उम्मीदों पे ही मैं हूँ जिंदा, बंद बुलिया नु रख दिया, गल अखा नाल दस दिया। विचो विच शहीर क्या कर रहा है, मैं हफ्सा को बता दूंगा। हस दिया ओ हस दिया, मेरी गला कर कर हस दिया ओ नच। तुमको बुलाऊं के पल के बिछाऊं कदम, तुम जहां जहां रखो जमीन को आसमां बनाऊं, सितारों से सजाऊं। अगर तुम मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों मिलके मेरे हालत पे हंस रहे हैं। हेलो। हाँ बोल चंदा। चंदा, अरे मैं बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बोल चंदा, क्या हुआ? तू सुबह सुबह मुच्छड़ के बदले तूने चढ़ा लिया क्या? अच्छा पापा, पापा एकदम ठीक है और सामने बैठे हैं। अच्छा सुन, मुझे ये कहना था कि चंदा को तुम्हारी याद आ रही है। क्यूट था ये। तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं या ना। गाओ तुम, गाना पसंद है? नहीं गा रही, चलो मैं ही गा लेता हूँ। तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं या ना। अपने तो दिल का बता दे, चाहूं मैं यारा। कह दिया, एक और बार फ्लावर्स ही दिया। मैं बेटर गिफ्ट्स देता हूँ हफ्सा। ये बस बार बार फ्लावर्स ही देता जा रहा। रस्ती है निगाहें मेरी, तकदीर है तेरी, चाहिए पना ये कैसे मैं बताऊं। ब्लैक में दोनों काफी अच्छे दिखते हैं। ओ जालिमा, मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन सीरियसली हफ्सा इज लुकिंग अमेजिंग यू। भाई ये ऐप स्टोर पे आएगा? यस आई थिंक आई लव यू। नो थैंक्स। थैंक्स, मैंने कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट किया था। थैंक यू सो मच। मेरे चांद को देख कर चांद भी शर्मा गया। मुझे शर्म सी आए,
मैंने तुम जैसा बदतमीज इंसान आज तक नहीं देखा। क्यों? रोज आईने में अपना थोड़ा देखती तो हो तुम। वैसे शहीर का एक्सप्रेशंस मस्त होता। मुंह मत लगे आप मेरे। ये जब तुम आप कहती हो ना, बड़ी प्यारी थी। ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, मैं बता रही हूँ। वैसे शहीर और हफ्सा, एक्चुअली मैंने रबीका के वीडियो में देखा था, यूट्यूब वीडियो में, हफ्सा एक्चुअली शहीर को आप बोल के बुलाती है। जस्ट एक ऑब्जर्वेशन था। ठीक है, कोई बर्थडे पार्टी था क्या? वो हसीना बड़ी सुंदर सुंदर। शहीर का बर्थडे था क्या? लगा उसके नशे दोनों काफी बिन पिए बहका सच के। सारी दुनिया को छोड़ के मैंने चाहा है एक तुम्हें। मैंने जिंदगी से मांगा है तो सिर्फ मांगा है एक तुम्हें। कहानियों की एक परी कभी लगी शहीर पे, ये लुक काफी सूट करो। ये दिल खुशी से फूल के यूं गुबार की तरह। एक मैं और एक तू दोनों मिले इस तरह। और जो मन मन में हो रहा है। Again flowers. वैसे तो मन मेरा पहले भी रातों में अक्सर ही चाहत के हाँ सपने सजोता था। पहले भी धड़कन तू मेरे वाल तक दी रवे ना मेरी तेरे तो नजर हट दी। मैं तेरा इनको हमेशा ब्लैक ही पहनना चाहिए, दे लुक अमेजिंग। मैं हो गया दीवाना बलिए तू हो। ये क्या किया मैं बेताब हो गया तेरे बिना मुझे नहीं जीना। क्या ये ही प्यार है। ओके खत्म हो गया। ये सब लेटेस्ट कपल वीडियोस थे शहीर और हफ्सा के। वैसे मैं मजाक में बोल रहा था वीडियो के बीच में कि मैं शहीर से बेटर गिफ्ट दे सकता हूँ सब, लेकिन आई एम रियली हैप्पी फॉर देम एंड उन पे नज़र ना लगे क्योंकि दे लुक क्यूट टुगेदर। एंड मैंने इन दोनों को अलग अलग से भी देखा है। मैंने शायद पहले हफ्सा के टिकटॉक वीडियोस देखे थे, फिर शहीर के टिकटॉक वीडियोस देखे थे और मुझे दोनों अलग अलग से पसंद आए थे। तो ऑब्वियसली अगर दोनों साथ में रहेंगे वीडियोस में तो और भी पसंद आना ही था। एंड अभी सुनते हैं कि आकाश को ये वीडियो कैसा लगा। हे गाइस, मेरा नाम है आकाश। तो आज मैं बात करने वाला हूँ हफ्सा और शहीर के न्यू टिकटॉक वीडियो की। तो यार काफ़ी टाइम पहले मतलब हफ्सा और शहीर के टिकटॉक वीडियो पर रिएक्ट किया था, तो आज काफ़ी दिनों बाद वापस कर रहे हैं। इसमें हफ्सा काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही है और शहीर तो भाई अच्छे ही लगते हैं, मतलब उनका गुड लुकिंग है और हैंडसम है। और अभी तो बालों में मतलब वो हाइलाइट्स भी किए तो काफ़ी और भी अच्छा लुक लग रहा है। तो यार ये वीडियो मतलब कहूँ तो सभी वीडियो में मुझे मज़ा आया, मतलब मैं सभी वीडियो इन्जॉय कर रहा था, बट सबसे ज़्यादा मुझे जो एक एक सीन जो था वो जालिमा वाला, हफ्सा ने ब्लैक कलर का ड्रेस पहना हुआ है और शहीर ने भी और शर्ट या शर्ट से, तो वो वाला वीडियो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और एक बात कहूँ तो हफ्सा काफ़ी ट्रेडिशनल वेयर में काफ़ी अच्छे लगते हैं, मतलब सच कहूँ तो, क्योंकि मैं उनके फ़ोटोज़ भी जब देखता हूँ तब ज़्यादातर ट्रेडिशनल वेयर में जैसे ड्रेसेस और मतलब उस टाइप में वो काफ़ी ब्यूटीफुल लगते हैं मतलब, और क्यूट भी। और शहीर पे भी काफ़ी अच्छे लगते हैं ट्रेडिशनल कपड़े, जैसे कि उन्होंने अभी अपना जो सलवार कमीज़ वगैरह जो भी है वो भी पहना हुआ है उन्होंने, तो उन पर काफ़ी सूट होता है। लेकिन यार एक बात है शहीर खान की, देखो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ किसी का ना मुझे पसंद है मतलब ऐसा किसी के बॉडी लैंग्वेज पे जाना, लेकिन मेरा कहना है एक है कि शहीर को थोड़ी बॉडी बना लेनी चाहिए, क्योंकि जब वो बॉडी बना लेंगे तो उन पर कपड़े और भी ज़्यादा
अच्छे लगेंगे, मतलब जैसे अभी भी, अभी तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, उसके बाद तो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। जैसे मेन बात है कि वो शर्ट वगैरह पहनते हैं तो उनके शोल्डर काफ़ी छोटे दिखते हैं। देखो मैं अपनी बात भी करूँ तो मैं भी कोई बहुत बड़ा बिल्डर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ये जो शोल्डर मैटर करता है, जैसे मैं कपड़े पहनता हूँ तो मैं शोल्डर के हिसाब से कोई सिला रहा हूँ या रेडीमेड ले रहा हूँ तो मैं अपने शोल्डर देख के, मतलब मेरे शोल्डर पे मतलब बैठ रहा है ना वो शर्ट या टी शर्ट जो भी है, सलवार कमीज जो भी है, तो मैं उस हिसाब से मतलब कपड़े पिक करता हूँ। तो जैसे देखो मैं पहनता हूँ कपड़े तो लगता है कि हाँ चलो पहना हूँ, शरीर भी पहनता है तो अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा है कि उनको बॉडी बना लेंगे तो और भी, बाकी लुक में तो यार शरीर काफ़ी हैंडसम है सच कहूँ तो यही बात कह रहा था मैं, कोई मजाक मत समझना वरना आप लोग कमेंट में चालू हो जाओगे कि आकाश शरीर की टांग खींच रहे या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरा एक, मैं काफ़ी टाइम से देख रहा था तो बस मुझे ऐसा लगा तो मैंने बताया। एक्टिंग काफ़ी अच्छी करते हैं ये दोनों, और शहीर का जो खुद के वॉइस वाला भी वीडियो है वो भी काफ़ी अच्छा है यार उनकी, सच कहूँ तो शहीर की आवाज़ मैंने एक दो बार मतलब देखा हुआ है उनको, तो उनकी मतलब वीडियोस में देखा हुआ है तो उनकी आवाज़ काफ़ी ग्रेट और काफ़ी मतलब अच्छी आवाज़ है उनकी, मतलब सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है उनका आवाज़, तो वो वाली भी वीडियो है। तो इनकी एक्टिंग से लेके जो मतलब सेटअप जो करते हैं इस वीडियो में, जैसे बैकग्राउंड भी होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है सच कहूँ तो। बाकी ये वीडियोस काफ़ी अच्छे थे और मुझे बहुत मतलब बहुत अच्छे लगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेके।